पहले कि हम रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में समझें, हमें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच क्या अंतर होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस। अब चलिए हम इसे पिक्चर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझते हैं। इस पिक्चर में हम अगर सन को डायरेक्ट देखें तो इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन अगर हम इस पानी में इसको देखें तो इसे सन की इमेज बोलेंगे। ठीक इसी तरह इस प्लांट को डायरेक्ट देखें तो यह एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके रिफ्लेक्शन को पानी में देखें तो यह इसकी इमेज है। इमेज दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज तथा वर्चुअल इमेज। एक ऐसी इमेज जिसे हम किसी स्क्रीन पर दिखा सकें उसे रियल इमेज कहते हैं, तथा ठीक इसका उल्टा वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसे हम किसी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इन एग्जांपल्स के माध्यम से यह चीज़ और क्लियर हो जाएगी। यह एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है और इसकी इमेज हमें इस मिरर में दिखाई दे रही है। यह एक वर्चुअल इमेज है क्योंकि इसे हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। प्लेन मिरर द्वारा बनी इमेज उस ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होती है, मतलब इस व्यक्ति की लंबाई जितनी है उतना ही ऊंचा इसका इमेज भी इस मिरर में बनेगा, और यह व्यक्ति जितनी दूरी पर मिरर से खड़ा होता है उसका इमेज उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे बनता है। आपने कभी ना कभी प्रोजेक्टर देखा होगा और आप यह भी नोटिस किए होंगे कि प्रोजेक्टर के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जिस पर पिक्चर दिखाई देते हैं। प्रोजेक्टर द्वारा बनाई गई इमेज एक रियल इमेज होती है क्योंकि इसे हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। मुझे आशा है आपको रियल और वर्चुअल इमेज समझ में आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।